सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी, तुसो नहीं दाता को मोसो ना भिखारी दीन, तुसो ना दयाल दुखी मोसो ना अलाइए, मोसो नाहे कृत कण तोसो उपकारी नाहे, मोसो ना अनाथ नाथ तोसो ना बताइए, अवगुनी ना मोसो को गुणवान तोसो नाही, जप तप व्रत मोह मैं एक नहे पाइए, कवि आयो है शरण गहे ताए कै चरण, गुरु तारन तरन निज हाथ द बचाइए, बेदी साहिब जादे पव सागर तरा दे, मेरा बेड़ा बन्ने ला दे गुरु नानक दे नंदना, जेड़े होए तेरे दास होके जग तो उदास, कटो जमा वाली फास मुखों बोल दे मुकंदना, जटा जूट निर्वाण एथे उथे परवान, तुसी मेरे हो पुराण भगवान श्री चंदना, कवि राम दरवेश याद करदा हमेश, कटो जमा दे कलेस करूं बार बार बंदना, सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार, बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। राजान राज सतगुरु, पानान पान सतगुरु, देवान देव उपमा महान सतगुरु, साहेब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर आप सब संगतां, धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी दे वड्डे फरजंद, धन धन बाबा श्री चंद साहब जी दे प्रकाश पुरब नूं मुख रखदिआं गुरु के दरबार दे विच जुड़ करके नाम दी सीत लहर दा आनंद माण रहे हो। सतगुरु ने अपार बख्शिश कीती है, इह सुभागियां घड़ियां बख्शियां ने दास तो पहलां आप जी ने भाई साहिब पासों उस परमात्मा दे प्रेम दे विच भिजे हुए गीत ते गुरबाणी दी विचार सरवण कीती। आओ जितना समा मिलिया है धन बाबा श्री चंद साहब दे जीवन दे उत्ते विचार करके अते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी दे दायरे दे विच रह करके बाबा श्री चंद दी मौजूदगी नूं महसूस करिए। पर मेरी बेनती है जिवें चौपाई साहब दे विच रोजाना एक बचन आपां पढ़दे हां कि नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। धन गुरु कलगी धर पातशाह ने एक बख्शिश की, कहन लगे गुरु क्या सिखा, जदों तू गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे अंदर जावे ते सब तो पहला नमस्कार करी वंदना करी, क्योंकि तेनू उस गुरु दे लड़ लाया जिन्हें सारी कायनात नू साजिया सकल प्रजा जिन आप सवारी, ते नमस्कार करनी किवें है। कवि नौ निहाल सिंह होए ने निर्मले संप्रदाय दे महापुरख, उन्होंने कहा नमस्कार जदों गुरु ग्रंथ साहिब नूं करनी होवे ते गुरु का सिख की करे,
वाहेगुरु जी को पंथ खालसा सजायो नाथ, वाहेगुरु जी की फतेह गाज कै बुलाई है। के कलगी धर पातशाह ने यह सरमौर ए खालसा पंथ साजिया ते अखीर ए हुक्म किया जदों गुरु पंथ गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच एकत्रत होवे ते गज के फतेह बुलावे। सो आओ बड़े प्रेम सहित दोनों हाथ जोड़ के साहबां नूं फतेह बुलाईए और धन धन बाबा श्री चंद साहब जी की मौजूदगी नूं महसूस करिए। दोनों हाथ जोड़ के उच्चारण करो जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा जी संसार दे विच शब्द प्रचलित ने उदासीन, शब्द प्रचलित ने वैरागी, शब्द प्रचलित ने उपरामता विरक्तता त्यागता। धन धन सतगुरु गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह दे संसार तो प्रगट होने तो पहला ना तुहानू संसार दे विच वैरागी शब्द मिलेगा, उपराम शब्द मिलेगा, विरक्त शब्द मिलेगा, त्यागी शब्द मिलेगा, पर उदासी पंथ शब्द नहीं मिलेगा। क्योंकि उदासी पंथ धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने इस उदासीन संपर्दा की नींव रखी। संस्कृत दे विच उदासीन का जड़ा मूल भाव है, जड़ा अर्थ है, इदा अर्थ है कि संसार विच्चों अपनी सुरत नूं उपरामता वल लैके जाना। वेखो दुनिया दे विच शुरू तो दो तरह के बंदे होए ने, एक ते ओ ने जिहड़े पूरी तरह माया दे प्रभाव हेठां गलकत हो चुके ने, एक ओ ने जिहड़े सकी संबंधियां दे मोह दे विच परिवार दे मोह विच गलकत हो चुके ने, जिन्हां नूं केवल ते केवल संसारक धन की लोड़ है। पर संसार विच एक ओ भी ने जिन्हां ने अपनी सुरत नूं संसार दे माया तो प्रभाव रख के निरंकार दे धन नूं इकट्ठा कीता। जिवें आनंद साहब दे विच वचन आउंदा है, कहे नानक गुर प्रसादी जिन्हां लिव लागी तेनी विचे माया पाया। जिन्हां उत्ते गुरु की बख्शिश हो जाए वह माया दे विच रह के परमात्मा तक पहुंचते ने। धन बाबा श्री चंद साहब के इतिहास से जिथे अज अनेक तरह दियां किंतु परंतु कीतियां जा रही हैं, मैं बेनती करा आओ गुरु ग्रंथ साहब तो पुछिए कि की सचमुच बाबे श्री चंद ने नहीं मन्नी, कि सचमुच बाबा श्री चंद साहब ने गुरमत का प्रचार किया कि नहीं। ते जदों गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं ते गुरु इतिहास नूं पढ़ोगे ते सच जाणियो 1925 तो पहला जितना भी प्रचार होया किया ही बाबे श्री चंद ने ते बाबे श्री चंद के पैरोकार। भाई साहब भाई नंद लाल साहब एक गल लिखते ने फारसी दे विच, बाबा श्री चंद की शख्सियत तो जाणू करंद कराउंदे ने कि कौन ने बाबा श्री चंद। वो लिखते ने मंजल ऊ बरजवान औलिया सत, रूजो शब का नदर दिलश याद खुदा सत। धन बाबा श्री चंद कोई पांच भूतक शरीर कोई मिट्टी के पुतले का मोहताज नहीं। धन बाबा श्री चंद उस खुदा की मंजिल तक पहुंचाउण दा जरिया है, क्योंकि धन बाबा श्री चंद की जुबान दे उते हर पल खुदा दा जिक्र रह, उस परमात्मा की याद है। एक ओंकार की धुनी है जिस एक ओंकार का होका गुरु नानक ने दिता। मैं बेनती कर रहा सां संसार वालों उपरामता वाल अपनी सुरत नूं लजाणा, जिवें प्यार वाले बुलबुल फुल तो बिना उदास हुंदी है, बस ठीक इसे तरह एक उदासी महापुरख परमात्मा तो बिना उदास रहिंदा है। जिवें भौरा फुल बिना नहीं रह सकता, एक उदासीन महापुरख बाबा श्री चंद दा पैरोकार नाम सिमरन तो बिना नहीं रह सकता। उहदी खुराक है भजन बंदगी, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, क्योंकि उन्हां दा भोजन ही ज्ञान है। जिवें आपां सारे भोजन छकदे हां, बुरकियां मूंह च पाउंदे हां, प्रशादा छकदे हां, पर बाबा श्री चंद दे पैरोकारां दा भोजन की है? वाहिगुरु दा नाम, अकाल पुरख वाहिगुरु दा सिमरन, परमात्मा दी भजन बंदगी। सो प्यार वालियो ये जिहड़ा उदासी शब्द है इहदी हिस्टरी इहनूं किन्ने शुरुआत विच लियांदा, धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जदों संसार दे तख्ते ते प्रकाशमान हुंदे आ ना ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक गल लिखदे ने के श्री गुरु नानक आप परमेश्वर
अवतार लियो शुभ वंश प्रधाना के धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह तिन बेदियन की कुल बिखै प्रगटे नानक राय सब सिखन को सुख दए जहत है भय सहाय के बेदियां दी कुल दे विच गुरु नानक साहब प्रकाशमान होए पर गुरु नानक साहब तो पहला की हो रहा पूरब जोत पठै दे आयस ते सब आपन मातुर जाना पहला जिन्हें भी आए उन्हें सारे ने आपो अपने मत दे विच लोकां नू उलझा लिया किसी ने कन्न पड़वा दिते किसी ने जंगलां विच भेज दिता कि कोई पर्वतां ते चढ़ गया पर धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह संसार दे उते आ करके नाम दा होका कीता ते जदों प्यार वाले उस संसार दी यात्रा करन दा समा आया संसार दा रटन करन दा समा आया ते भाई गुरदास जी लिखदे ने प्रथमै उदासी कीती पुरब की तित उदासी नाल साथी मर्दाना रबाबी था जदों पहली उदासी पूरब वाल कीती ना इत्थों उदासी शब्द चलिया इत्थों उदासी शब्द प्रचलित होया सब तो पहला गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने उदासी बाणा तन ते धारण किया अज मन विच भुलेखा पै गया कि शायद बाबा श्री चंद ते किसे गैर मत का प्रभाव हो गया ते तां बाबा श्री चंद ने यह बाणा धारण किया नहीं जदों गुरु नानक साहब संसार का रटन करन लई चले ने ते सब तो पहला गुरु नानक ने उदासी बाणा धारण किया गुरु नानक प्रकाश दे बोल ने भगड़े चीर शरीर बराजे जिनके दर्शन कलमल भाजे धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने तन दे उत्ते भगवा वस्त्र धारण किया भगवे रंग का भगवे रंग के सरोप आओ दिते जा रहे ने भगवे रंग का वस्त्र सतगुरु ने धारण किया पर इन उदासियां दे विच जदों सतगुरु गुरु नानक साहब की सिद्धां दे नाल मुलाकात हुई ना सिद्धां दे नाल ते सिद्धां ने गुरु नानक साहब नूं कुछ के सवाल पूछे ने कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ ए सिद्ध गोष्ट दी बाणी है हर एक बाणी दी पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब दे विचों आ रही है कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ गुरु नानक साहब नूं पुछदे ने सिद्ध कि हे बालक तेरा नाम की है असी इनिया इनिया उमरां वाले जोग साधना कीती तप कीते धुनिया तुकाईयां पहाड़ां ते चढ़े मामली बंदा इत्थे पहुंच नहीं सकता तेरा नाम की है कौन तुम्हें कित्थों आया कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग तेरा रस्ता की है कौन मार्ग कौन सुआउ तेरी मत की है ते सतगुरु ने शब्द बचन किते साच कहो अरदास हमारी हो संत जना बल जाओ मेरा कोई वखरा रस्ता नहीं मेरी ते केवल ए अरदास है कि ते संतां महापुरखां दे चरणां दी धूड़ी मिल जावे वेखो बचन पढ़ देना आपां अंतर जामी पुरख विधाते सरधा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगा मोको कर संतन की तूरे सुख आपां भी मंगदे आं वेखो आपां माया मंगदे आं पदार्थ मंगदे आं संसार दीआं चीजां मंगदे आं सुख मंग रहे आं पर एक सुख गुरु नानक साहब ने मंगिया कि मोको कर संतन की धूरे परमात्मा जेडे तेरा नाम जपदे उन्हां दे चरणां दी मैनूं खाक बना दे प्यार वालिओ एक इस्लाम मत दे विच एक मुसलमान लेखक इकबाल होया वो कहिंदा जे परमात्मा दे दर्शन करने ने ना जे पौणा रब नूं जे खुदा दे प्रतख दर्शन करने ने फिर एक कम करो सूरमा कुंचो खाक औलिया सत फारसी च लिखदा है कहिंदा सूर सुरमा आपां पौने ना अखां विच सुरमा जिन्हां दी निगाह कमजोर हो जावे उह सुरमा अखां विच पौंदे ने कहिंदा जिन्हां नूं परमात्मा नजर नहीं आउंदा उन्हां दीआं अखां दी रोशनी कमजोर हो चुकी है उह इक कम करन सुरमा कुंचर खाक औलिया सत उह परमात्मा दी बंदगी दा सुरमा बना के अपने अखां विच पा लैण ते सच जाणिओ जिद्दन बंदगी दा सुरमा अखां विच पै गया परमात्मा दे दीदारे जरूर होणगे कर फकर दायम लाए चश्मे जह तहां मौजूद गुरु ग्रंथ साहब कहंदे तू फकीरी दा चश्मा ला जिद्दन तू फकीरी दा चश्मा अपनी अखां ते ला लिया फिर भगत धन्ने दी तरह मिले प्रतख गुसाईयां धन्ना वडभागा भगत धन्ने दी तरह प्रतख परमात्मा दे दीदारे जरूर होणगे सो बेनती कर रहे सां सिद्धां ने पुछिया कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुभाओ साच कहूं अरदास हमारी हों संत जना बल जाओ
हुण गुरु नानक साहब दा जिहड़ा उदासी बाणा वेख्या ना उहनूं वेख के सिद्ध पुछण लगे किस कारण ग्रह तजियो उदासी, किस कारण इह भरेख निवासी, किस वखर के तुम वण जारे क्यों कर साथ लंघावो पारे। गुरु नानक साहब नूं पुछदे ने भी की कारण बन गया, ऐसा की हो गया भी तुसां इह उदासी बाणा धारण करके घर बार छड़ दिता, उदासियां ते चले आए, निक्के निक्के बच्चे अपने घरां विच छड आए, परिवार दा मोह छड दिता, ते परिवार दा मोह छड के घर बार छड के कम कर छड के संसार दा रटन करन लई तुर पए। प्यार वालियो, एक मैं बचन चेते विच आया, जदों गुरु नानक साहब ने पहली उदासी कीती है ना, बाबा श्री चंद उस वक्त 7 साल की उम्र दे सन, ते 7 साल की उम्र दे विच बाल अवस्था विच बाबा श्री चंद जी धन गुरु नानक साहब ने अपनी भैन बेबे नानकी दे सपुरद किया, भूआ जी पास रह करके बाबा श्री चंद जी ने बचपन कटिया। कहिंदे ने जदों गुरु नानक साहब उदासियां ते गए ना, ते रोजाना रात नूं, पिछली रात नूं बाबा श्री चंद जी की जाग खुल जानी। जदों बाबा श्री चंद की जाग खुलनी ना, नेत्र बंद करके बुलियां हिलाउण लग जाना, निक्कियां निक्कियां कोमल बुलियां वो हिलदियां रहण। बेबे नानकी जी भूआ जी ने सोचा भी शायद पिता जी की याद आउंदी है, शायद डर जांदा तां तां जाग खुल जांदी बच्चा है। 2-3 दिन ते वेख्या जदों इस तरह लगातार हुंदा रहा, ते बाबा श्री चंद नूं पुछण लगे लाल जी की गल, घबरा क्यों जांदे हो, अचानक उठ जांदे हो पिछली रात नूं। जिवें फरीद जी आंदे ने, फरीदा पिछल रात ना जागियो जीवंदड़ो मोयो है, जे तां रब विसारियो रब ना विसारियो है। कहिंदे गुरु का सिख ही होए जिहड़ा पिछली रात जग के अमृत वेले जाके बंदगी करे, ते जिहड़ा अमृत वेले नूं नहीं सांभदा उह जिउंदा वी मरिया वरगा ही है, जिउंदा नहीं। लाल जी उठ जांदे हो, की गल, किस गल दी घबराहट है। कहन लगे मां भूआ जी घबराहट नहीं, मैनू गुरु पिता जी दा बचन चेते आउंदा कि जिन खिन पल नाम ना विसरै ते जन विरले संसार, मेरे मन अहनस हर गुण सार। भूआ जी बाबा जी गुरु नानक साहब बाबा नानक पिता जी बचन करदे ने कि जिन्हां नूं एक पल भी परमात्मा दा नाम ना विसरे गुरु नानक दा प्यारा ते अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार। मैं ते कोशिश कर रहा कि मैं अपने गुरु पिता दे बचना नूं मनन दी जतन कर लवां, कि अपने गुरु पिता दे बचना दे उत्ते टुर सकां, गुरु बचना दी पालकना कर सकां। वेखो निक्की जिही अवस्था है पर गुरु नानक दे बचना नूं किवें कमाउंदे ने बाबा श्री चंद साहिब, भगवान बाबा श्री चंद साहिब। सो प्यार वाले सिद्धा ने पुछिया किस कारण ग्रह तजे उदासी, की गल हो गई, घर छड़ दिता, बच्चियां दा मोह छड़ दिता, किस कारण इह भरेख निवासी, इह भेख बना लिता साधुआं वाला, भंगवे वस्त्र पा लिते क्यों, किस वखर के तुम वणजारे, किस वखर भाव के किहड़ी चीज दे वणजारे हो, किहदा वणज करन आए हो, क्यों कर साथ लगावो पारे। ते फिर जे हुण तोरी चुके हो संसार दा रटन करन लई, जिहड़े तुहाडे नाल जुड़नगे उहनां नूं पार किवें लंघावोगे, क्योंकि संसार ते भवजल सागर रहि, ते संसार दे विच हर एक बंदा डुबदा जा रिहा है, पर इह गुरु नानक ने किरपा कीती डुबदे होयां नूं तार के विखाया। इस बाणी दी इक बरकत ने रिठे नूं मिठा कर दिता, इस बाणी दी इक बरकत ने मोयां नूं जिउंदा कर दिता, इस बाणी दी इक बरकत ने बन्ने लाया सी मक्खण दे बेड़े नूं, ओ सिखा तू हिरदे वसा लै गुरु नानक दे शब्द नूं, क्योंकि इस बाणी ने रिठियां नूं मिठा कीता, मरियां होयां नूं जिउंदा कीता। इस बाणी दी ही बरकत ने, इस बाणी दे अभ्यास ने मक्खण शाह लबाणे दे डुबदे बेड़े नूं पार लंघा दिता। तू भी हुण जतन कर हिरदे विच गुरु नानक दे शब्द नूं वसा। सो जदों इह सवाल कीते ते गुरु साहिब कहिण लगे गुरमुख खोजत भए उदासी। कहिंदे सिद्धो इह पुछदे हो मैं घर क्यों छड्डिया, मैं उदासी क्यों हो गया, उपरामता वल क्यों चलिया गया, त्याग क्यों कर दिता, विरक्त क्यों हो गया। कहिंदे गुरमुख खोजत भए उदासी, मैं उहनां नूं लभण लई तुरिया जिहड़े गुरमुख ने।
भाव जिहड़े गुरु दी भाव परमात्मा दी गल करदे ने परमात्मा दी बंदगी करदे ने मैं उन्हां नूं लब्भण लई तुरिया दर्शन कै ताई भेख निवासी उन्हां दे दर्शनां दे लई मैं ए पेस धारण कीता है साच वखर के हम वणजारे मैं वणजारा वा सच वखर दा भाव के सच्चे नाम दा उस परमात्मा दी बंदगी दा उस परमात्मा दा वणज करदा जिहड़ा एक ओंकार है जिहड़ा सत नाम है जिहड़ा करता पुरख है जिहड़ा निरभउ है निरवैर है मैं ओहदा वणज कर रिहा ते तुसीं पुछदे हो वी पार किवें लंघावोगे कहिंदे नानक गुरमुख उतरस पारे जिहड़ा वी गुरु वल मुख करके रोजाना जप जी का पाठ करेगा भव जल सागर तो पार लंघे गई प्यार वाले गुरु नानक साहब का 550 साल जन्म दिहाड़ा प्रकाश पुरब आ रहा है शताब्दी आ रही है बेनती करा इन्हों शताब्दियों के मौके घट्टो घट जपजी साहब का पाठ जरूर जबानी कंठ करिए कवि संतोख सिंह कहिंदे अपने आप नूं गुरु का सिख कहिंदा होवे ते जे परख करनी होवे ना गुरु के सिख दी ते उहदे कोलों जपजी साहब दा पाठ जबानी सुन लिओ जे ते जपजी जबानी सुना गया ते गुरु का सिख ते जपजी साहब दा पाठ जबानी ना हुंदा होया ते समझ लिओ गुरु नानक दा सिख नहीं हो सकदा कहिंदे ने जिहनूं जपजी साहब दा पाठ नहीं आउंदा उह ते चोलां दे फक दी न्याई है चोल नहीं कली फाकी है बस कला भेस ही है सिख नहीं सिख ओही है जिन्हों गुरु नानक का पाठ होंदा है जिन्हों गुरु नानक की बाणी होंदी है सो जतन करिए इन्हां शताब्दियां दे मौके घट्टो घट जपजी साहब का पाठ से कंठ करिए और जिन्हां नूं कंठ ने वह अगां पंज बाणियां कंठ करन सिद्ध गोष्ठ की बाणी है आसा की वार है सुरहो विचार जो इस तरह सिद्धा के प्रश्नों का जवाब दिता इतों प्यार वालियो सतगुरु गुरु नानक साहब ने उदासी शब्द की वरतों इतने की गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच ते दसिया के उदासी उदी मर्यादा की है सतगुरु ने बचन किते सिद्धो गुर बचनी बाहर घर एको नानक भया उदासी जेड़ा भी गुरु दे बचना नू हिरदे विच कमाउंदा है जीवन दे विच कमाई करता है बस सच जाने उही बंदा उदासी है दूजा नहीं ते अज कई बार कह दिंदे ना उदासी ते गुरमत विच प्रवान ही है नहीं उदासी सिखी विच प्रवान ही है नहीं पर प्यार वाले गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं पुछिए भी उदासी कौन ने ते सतगुरु कहिंदे जिन तूं जाता सो ग्रस्त उदासी परवान कहिंदे ने जेड़ा भी परमात्मा दे नाम नूं पहचान लवे भावें ग्रिस्ती है भावें उदासी है वह सारे ही रब की दरगाह विच परवान ने जेड़े नाम रता सोई निर्वाण जेड़े नाम दे विच रंगे गए ने जिहड़े रोजाना वाहेगुरु गुरमंत्र का अभ्यास करते हैं गुरु नानक साहब कहिंदे भावें ग्रिस्ती होवे भावें उदासी होवे प्रवान है क्योंकि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे बोल तुहानू इतिहास दे विच मिलणगे उन्होंने दो तरह के पैरोकार पैदा किए दो विध संपर्दा चाल जगत में कल घोर मुझारा एक उदासी जानी है एक ग्रिस्त निरतारा रह जो ग्रिस्त करे जप तप पूजै जगतासी रह उदास जो जगत ते तेह भनै उदासी सतगुरु कहिंदे ने दो तरह दीआं संपर्दावां एक ते ग्रिस्त लोक जिवें आपां सारे ग्रिस्ती संसार दे विच रह के कार विहार करके ते फिर परमात्मा दी बंदगी करदे नितनेम करदे गुरु की बाणी दे सहज पाठ करदे पर कहिंदे ने एक ओह भी ने पैरोकार गुरु नानक दे जिन्हां ने संसार दी माया नूं पूरी तरह त्याग दिता है प्यार वालो वेखो आपां कई बार अक्सर सुभावक बचन सुनदे हां अखे जी बाबा श्री चंद साहब ने ते घर बार छड दिता गुरु नानक साहब ने ते ग्रिस्ती होण दा उपदेश दिता ते आपां सारे एक पंक्ति पढ़दे हां अखे सगल धर्म महि ग्रिस्त प्रधान प्यार वाले धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने संसार नूं ग्रिस्ती होण दा उपदेश दिता कोई शक नहीं पर संसार दे विच जिवें पहला भी बेनती की दो तरह के महापुरख होए ने जिन्हां दी सुरत संसार तो पूरी तरह उठ चुकी है ते जिन्हां दी सुरत संसार दे विच अजे फसी दो तरह के लोग ने वेखो एक मुसलमान फकीर होए ने इस्लाम दे विच कहिंदे ने उन्हां दा संसार तो वैराग लग गया संसार की माया तो प्रीत टुट गई ते परमात्मा की बंदगी करन लई चले ने ते जदों घरों तुरन लगे ना एक चादर नाल लई एक सराहणा नाल लिया ते एक गड़वा नाल लिया तीन चीजां भी गड़वे दे विच चलो कोई पदार्थ पालिया करांगे कोई जल पानी पालिया करांगे
ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਾਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਕਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਕੋਈ ਨੀ ਵਿਛਾਈ। ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਕੋਈ ਨੀ ਵਿਛਾਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਦਰ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਕੇਵਲ ਸਰਾਣਾ ਤੇ ਗੜਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਦਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਧੂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਰਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਵੈਰਾਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੇ ਪਲ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਵੇ, ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵੈਰਾਗ ਲੱਗਿਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ, ਵੈਰਾਗ ਲੱਗਿਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਰਾਗ ਲੱਗਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਵੈਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰਿਜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਲੱਗਾ। ਵੈਰਾਗ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ। ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਿਆ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਚਨ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਓ, ਸੰਥਿਆ ਦਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਓ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਬਾਬੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਸੰਤ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਂ ਖੁਦ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਤਨੀ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਐਸਾ ਵੈਰਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੜੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਜੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਹੈ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਵਿਰਕਤਤਾ, ਉਪਰਾਮਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੜਵੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੜਵੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਗੜਵਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੀ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਐਸੇ ਤਿਆਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਰਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹ ਤਿਆਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਅਖਰ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੁਖੈਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, 2 ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ, 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦੇ 10 ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ।
सो सारा कुछ छड़ना त्याग की भावना अपने मन में लिया बड़ी वड्डी बात है। मैं बाबा श्री चंद साहब के जीवन के उत्ते झात पाउणी शुरू करा चार उदासियां करके गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह करतारपुर साहब की धरती ते आउंदे ने ते भाई गुरदास जी लिखते ने बाबा आया करतारपुर भेख उदासी सगल उतारा उदासी बाणा उतार दिता ते करतारपुर साहब की धरती दे उत्ते रह करके जपजी साहब की बाणी सिद्ध गोष्ठ की बाणी का उच्चारण करते ने ते प्यार वाले इत्थे ही भाई लहणा जी दे नाल मिलाप हुंदा है जिहड़े बाद विच गुरु अंगद साहब के रूप में उजागर हुंदे ने प्रकाशमान हुंदे ने। हुण समा आया कि धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने अपनी गुरगद्दी का जां नशीन चुनना सी ते सतगुरु गुरु नानक साहब ने कई तरह दियां परखां कीतियां किते क्या रुखां रुख हलाओ ते मठियाईयां डिगण गईयां किते क्या भी मुर्दा खाओ वखो वखा वखो वखरे तरह दियां सतगुरु गुरु नानक साहब ने परख कीती सिखां दी ते जिथों ज्यादातर सवाल चुकदे ने भी बाबा श्री चंद ने इत्थे कहना नहीं मन्निया। मैं बेनती करां इत्थे केवल बाबा श्री चंद जी नहीं सन इत्थे बाबा बुढ़ा साहब जी भी मौजूद ने इत्थे भाई भगीरथ जी भी मौजूद ने इत्थे बाबा लक्ष्मीदास भी मौजूद है केवल बाबा श्री चंद नहीं। क्योंकि वेखो एक गल ते आपां नूं समझ नहीं पवेगी भी गुरु नानक साहब ने मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया गुरु नानक साहब ने कुछ वखरा रस्ता निर्मल कर्म चलाने सन संसार की मर्यादा सी भी पिता की गद्दी का हकदार हमेशा पुत्र ही होगा जे इत्थे भी गुरु नानक साहब अपने पुत्र नूं अपने जान नशीन बना जांदे ते सच जाणियो फिर यह निर्मल पंथ नहीं सी बनना। जेडे इतने इतने वड्डे तप करदे सिद्ध पहाड़ां ते बैठे सन ना उन्होंने बड़े तरह के सवाल गुरु नानक साहब नूं पुछे जदों गुरु नानक साहब ने कहा ना भी यह निर्मल कर्म वास्ते तुरिया वा ते क्या फिर दस परमात्मा की भगती किवें होवे भुखिया रह के भगती होजू सुचमता रह के रख के भगती होजू सियाणपां नाल भगती होजू। सतगुरु ने कहा सोचै सोच ना हो वई जे सोची लखवार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणपा लख होहे ता इक ना चलै नाल। कितने कितने तरह के सवाल गुरु नानक साहब नूं कीते गए ते उन्होंने ते खिण नहीं सी लाउणा कह देना सी भी अपने पुत्र दा मोह जाग गया। गुरु नानक साहब ने नवी प्रथा चलानी सी भी गुरु नानक दे घर दे विच पुत्रां नूं ते माण मिलदा पर पुत्रां नालों वध मान सेवादारां नूं भी मिलदा ते प्यार वालिओ जिहड़ा फिर धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने परख कीती हाथ दे विच सोटा चक लिया सोटा ते क्या सारे चले जाओ इत्थे कोई भी ना टिके ते उत्थे फिर धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी भी रुखां दे ओले होए भाई भगीरथ जी रुखां दे ओले होए बाबा श्री चंद साहब जी भी विचे ने भाई लहणा जी उत्थे खड़े रहे क्योंकि जा सुदोस तां लहणा टिके आउण जिदे उत्ते गुरु नानक साहब की निगाह पैनी सी ए ते धुरों आई हुई गुरगद्दी सी जिदे उत्ते धुरों लिखिया सी करमां ते मिलनी उहनूं ही सी। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने केवल संसार नूं वखाउण दे लई ए रचना रची पर ए सारी खेड ते करतार ने करतारपुर बैठ के लिखी दित्ती सी ए ते सारी एक संसार दे लोकां नूं समझाउण दे लई इक अगम्मी खेड सी। सो धन भाई लहणा जी नूं गुरता गद्दी ते बिठाया ते जिहड़ा फिर इत्थे ज्यादातर मैं ये बेनती तां कर रहा भी किते मन विच शंका ना रवे फिर कहिंदे ने भी इत्थे उन्होंने बोल कबूल बोले नहीं जदों धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने गुरगद्दी दे उत्ते धन बाबा श्री चंद साहब धन बाबा लहणा जी नूं गुरु अंगद साहब दे रूप दे विच प्रकाशमान किया और गुरगद्दी का तिलक लगाया ते प्यार वालिओ नाले ही धन बाबा श्री चंद साहब नूं ये बचन भी कहे कि तुम तो मेरे पुत्र हो जानै सगल जहान जो मेरा जग में है कोई तुमको लेवै मान। तू मेरा पुत्र है ओ नादी पुत्र है ते तू मेरा बिंदी पुत्र है। वेखो जदों गुरगद्दी देण दी वारी आई ते गुरु नानक साहब ने भी नादी पुत्र चुनिया भाई लैणे ने ते उस तों बाद जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने गुरियाई दित्ती पंथ नूं उदों भी फिर नादी पुत्र खालसा पंज प्यारे चुने बिंदी नहीं चुने बिंदी ते शहीद करवा दित्ते चमकौर दी गढ़ी च सरहंद दीआं नीहां दे विच उत्थे शहीद करवा दित्ते ते सतगुरु ने नादी पुत्र खालसे नूं गुरियाई दित्ती जिथे गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरता गद्दी दित्ती। इह गया शरीर मेरा पंथ विच आत्मा मेरी
ग्रंथ विच। सो इसे तरह जदों बाबा श्री चंद साहब नूं वचन किते, तुम तो मेरे पुत्र हो जाना सगल जहान, जो मेरा जगमे है कोई तुमको लेवै मान। जेड़ा भी मेरा सिख संसार ते होएगा, बाबा श्री चंद साहब तुहाडा सत्कार जरूर करेगा। पर बाबा श्री चंद साहब का वचन सुनने वाला सी, तब सनीमर हुए बिना करे बखान। बाबा श्री चंद साहब ने बड़ी सनीमर सहित निम्रता सहित बेनती कही कि हम सद ही तुमरा दर्शन चाहिए, नैनन जल सर्वत ते बिखै। बाबा श्री चंद साहब के नेत्रां दे विच जल भर आया, नेत्रां दे विच जल भर आया। गुरु नानक साहब नूं कहन लगे, पातशाह मैनू ते सदा तेरे दर्शन चाहिए। यह बचन बाबा श्री चंद ने किते, मैनू नहीं चाहिए कोई राज भाग, मैनू नहीं कोई संसार की शोभा चाहिए, ऐ सतगुरु नानक मैनू सदा तुसां दे दर्शन चाहिए। यह बचन किते ते फिर प्यार वालियो जो गुरु नानक साहब ज्योति जोत समाउंदे ने, उस तों बाद बाबा श्री चंद साहब जी बाठ साहब की धरती ते गए, जिथे बाठ साहब आप दर्शन करते ना उत्थे धन बाबा श्री चंद साहब जी जप तप करन लई, कह लो गुरु नानक साहब दे विजोग तो बाद वैराग ऐसा जग गया भी हुण केवल ते केवल इबादत करके गुरु नानक दी मौजूदगी महसूस करनी है। ते नाल धन भाई कमलिया जी भी ने, ते मैं अक्सर बेनती करदा भी बाबा कमलिया जी बाबे श्री चंद तो 7 साल उम्र दे विच वड्डा है, 7 साल उम्र दे विच वड्डा है। पर जदों भी बाबा श्री चंद साहब ने किते यात्रा ते जाना ना, ते बाबे कमलिया ने बाबे श्री चंद नूं अपने मोढ़ियां ते बाह लेना। एक दिन किसी ने पूछा भी कमलिया जी आ बाबा श्री चंद नूं मोढ़ियां ते क्यों बौंदे हो, कहण लगा बाबा गुरु नानक खुद खुदा आए ते खुद खुदा दे घर कोई मामली बच्चा जन्म नहीं लैंदा, खुदा दे घर भी खुदा दी जोत ही आउंदी है। ये भाई कमलिए दे बचन सच, मोढ़ियां ते बिठा के यात्रा करोनी। मैनूं एक बचन चेते आया, कहिंदे ने बाबा श्री चंद साहब एक दिन अपने नानके पिंड गए सी, नानके पिंड ते बाबा श्री चंद साहब जी दी जिवें आपां वेखदे आं अवस्था, शरीरक अवस्था वेखण दे विच बड़ी छोटी बाल अवस्था सी, पर विचार किते अगां दे। ते कहिंदे ने एक दिन अपने नानके पिंड बैठे बाबा श्री चंद जी बाबा कमलिया जी दे मोढ़ियां ते सवार होके आ रहे सन, कुछ के लोग बैठे चर्चा कर रहे सन, वेख्या बाबा श्री चंद आ रहे ने, सोचन लगे भी दीआं गल्लां बड़ियां सोहणियां हुंदियां, जिवें कई बार बच्चे बड़ियां सोहणियां गल्लां करदियां ना, वड्डे जाण जाण के बच्चियां नूं बुलाउंदे भी दीआं गल्लां सुण लईए, ते उत्थे ते रब आप बचन कर रिहा, बाबा श्री चंद आप बचन कर रहे हुण, कैसी समाधियां लगदियां होणगियां उदों। क्या बाबा श्री चंद आ रहे ने इन्हां नाल कोई परमार्थ की चर्चा करिए। बाबा श्री चंद जी नूं बिठा लिया, गुरु नानक साहब के बचन पूछण लगे, कहिंदे ने एक महात्मा आ गया, सिद्ध आ गया, उन्हें वेख्या भी ये गुरु नानक साहब का सपुत्र है, माफ करना सिद्ध नहीं मौलवी आया, मौलवी इस्लाम मत चो तालुकात रखदा मौलवी आया, उन्हें वेख्या भी गुरु नानक साहब का पुत्र है, गुरु नानक साहब का फरजंद है, इहदे नाल चर्चा क्यों ना की जाए। ते आके बाबा श्री चंद जी नूं पुछन लगे कि बाबा श्री चंद जी जरा ये दसो भी संसार दे उत्ते दो राह ने, एक हिंदू है एक मुसलमान है, कि ये दोवें राह ठीक ने, दोवें धर्म ठीक ने, परमात्मा तक केड़ा पहुंचेगा। ते बाबा श्री चंद साहब ने गुरु नानक दी बाणी दा हवाला दिता, कहन लगे मौलवी जी राह दोवें खसम एको जान, गुर कै शब्द महल पछाण, राह भावें दोने पर मंजिल इको खुद खुदा है। राह वखो वखरे हो सकते ने प्यार वाले, कोई जहाज ते जा रहा कोई गड्डी ते जा रहा, पर पहुंचना ते सारिया ने इको टिकाने ते आना। कहन लगे भावें सनातन है भावें इस्लाम मत दे, पर पहुंचना उस खुदा तक है। उस मौलवी ने बाबे श्री चंद दे चरणा ते नमस्कार करती, कहन लगा ए जवाब गुरु नानक दा फरजंदी दे सकदा, दूजा नहीं दे सकदा, क्योंकि गुरु नानक साहब नूं भी पुछया गया सी एक बार कि तुहाडा धर्म की है मजहब की है, महाराज ने कहा ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण ना हिंदू ते ना मुसलमान, दोवें ही आ, भाव अल्लाह दे गीत गाउण वाले राम नूं सिजदा करन वाले। सो मौलवी कहन लगे ए जवाब भी गुरु नानक दा फरजंद दे सकदा। सो प्यार वाले जदों बाबा श्री चंद बाठ साहब दी धरती ते जप तप करन लई चले ने ना, ते राह दे विच इक आप जी दर्शन करोगे, नानक चक पिंड आउंदा, नानक चक बटाले तो थोड़ा जे अगां जाके
उस थां दे उत्ते बैठ करके बाबा श्री चंद ने कुछ के दिन बतीत किते, जप तप किता, सिद्धां दी मंडली आ गई। वेखो अज गल्लां करनियां ते बड़ियां सौखियां ने भी गुरु नानक साहब ने उदासियां करतियां जी। बाबा श्री चंद ने सारा कुछ छड़ दिता जी, पर नहीं, ये तो गुरु नानक साहब ने सौखा जा काम कर दिता भी अमृत वेले उठ के पांच बाणियां दा पाठ करो, संध्या वेले रहराज साहब करो ते दरगाह विच हाजरी जरूर लग जाएगी। पहला तो कितने कितने बड़े जप तप किए जाते सन, भुखे रहा जाता सी, भुखा कटिया जांदियां सन, धूने तकाए जाते सन, किन्ना किन्ने जप तप किए जाते सन। और फिर वो ऐसे ऐसे संस्कृत के विद्वान, उर्दू फारसी अरबी के विद्वान जिन्हां दीआं गल्लां आम बंदिआं नूं समझ नहीं आउंदीआं, अज सिद्ध गोष्ट की बाणी तुसीं पढ़नी शुरू कर दो, दो तीन पौड़ियां तो बाद तुहानूं समझ, मिदास नूं नहीं समझ आउंदी भी कैसे कैसे बचन सिद्धां ने गुरु नानक साहब नूं पुछे। कदे पुछदे ने समाधि किवें लगदी है, कदे पुछिया सुन मंडल दे विच किवें जाया जांदा है, कदे पुछदे ने इह बंदे दा रूह, बंदे दी रूह शरीर नालों वक्री किवें हुंदी है, परमात्मा कित्थे वसदा है, परमात्मा जेकर आकाश च वसदा धरती क्यों साजी, जे धरती ते वसदा फिर दिसदा क्यों नहीं, ऐसे ऐसे सवाल किते तां जाके इह निर्मल पंथ चलिया। ते प्यार वाले जिन्हां सिद्धां ने कदे गुरु नानक साहब नूं सवाल किते सन, अज उही बाबे श्री चंद दी परख लैण आए, क्योंकि ना बंदे दे मन विच किते ना किते हंकार रह ही जांदा है, भावें सामने खुद खुदा भी आ जावे ना, इहदे मन विच विद्वता दा हंकार, इहदे मन दे विच उमरां दे अपनी उमर दा गुमान रही जांदा भी मैनू इन्नियां उमरां हो गईआं, इह कल दा मैनू सकून तुरिया। बाबा श्री चंद साहब को ला के कहण लगे भी साधु ओ मंडली आई है, कोई पदार्थ छकाउणे करो। ते बाबा श्री चंद साहब ने भाई कमलिया जी नूं कहा भी नाले किलो के मीटर कादराबाद की धरती है, उत्थे जा करके भिख्या लैके आओ, गजा करके लियाओ। आपां गजा शब्द अजकल वरतदे हां। हुण सिद्धां कोल रिद्धियां सिद्धियां उन्होंने की किया भी पिंड वालियां दे मन ही बदला दिते। भाई कमलिया जी जिदे भी घर जाण ओह बूआ बंद ही कर लवे, कोई बूआ ही ना खोले। बड़ा हैरान होए भी बाबे श्री चंद दा सेवादार गुरु नानक दे घरों मैं आया ते मेरे पिछिया मंगण ते भी नहीं दे रहे, मन विच बड़ा उन्होंने रोस किया। चलो पर अपने बापू ते गमान सी भी पता सी भी उत्थे भी भगवान श्री चंद है, पिठ लगन नहीं दवेगा। जदों तुरन लगे ना कादराबाद की धरती तो मन विच केवल एक फुरना ही आया, फुरना फुरना यह आया भी गुरु नानक दे पुत्र लई भी भिख्या नहीं देंदे, तुहाडा पिंड थे जरूर होएगा, सिर्फ फुरना ही आया। ते प्यार वाले जदों नानक चक दी धरती ते आए, तुसीं जाके दर्शन करियो, कोई ज्यादा फासला नहीं, किलो दो मीटर दा ही फासला है। जदों वापस आए बाबा श्री चंद साहब ने पुछिया, कहन लगे भी महापुरखो किसी ने भिख्या ही नहीं दी, बुआ ही नहीं खोल दे। बाबा श्री चंद साहब कहन लगे चलो कोई नहीं, इहदे उत्ते वस्त्र पा के ना कमंडल ते गड़वे ते वस्त्र पा के सतनाम वाहिगुरु दा जाप करदे ते इहनां नूं वरताई चलो, वाई अरी नवाई पदार्थ निकलेगा। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅੱਗੇ, ਇਬਾਦਤ ਅੱਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫੁਰਨੇ ਕੀ ਜਗਾ ਕੇ ਆਏ ਸੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਫੁਰਨਾ ਕੀ ਆਇਆ? ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਵੀ ਬੂਹੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਥੇ ਹੋ ਜੂ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟੱਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਥੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੱਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਵਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਕਰਤਾ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸਿਰ। ਨਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਕਸਰ ਬੜੀ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਭੂਤ ਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਭੂਤ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਓਲੀਏ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਅਟਲ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਨ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਕਦੇ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਆਰਤਾ ਪੜੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਿਖਦੇ ਹਰ ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾ ਹਰ ਹਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਾ ਜੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਆਰਤਾ ਗਾਵੈ ਬਸੇ ਜੀ ਬੈਕੁੰਠ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਰਤਾ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਵਨ ਰਾਏ ਜਾ ਕੋ ਚਵਰ ਝੁਲਾਵੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਜਾ ਕੋ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਨ ਰਾਏ ਇਹ ਹਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਸਭ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮੇਰ ਵਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵ ਭਾਰੇ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਚਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਓਲੀਏ ਅਵਤਾਰ ਗੰਧਰਵ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪੀਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਨਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮੇਰ ਵਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵ ਭਾਰੇ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਚਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਗੁਨਜ਼ਾਰ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਉਹ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਲੇ ਧੂਣਾ ਬਲਦਾ ਸੀ ਧੂਣਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਹੜ ਫੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬੋਹੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਧੂਣਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਬੋਹੜ ਹੈ ਤੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰਾਂ ਪੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੋਹੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਉਸ ਬੋਹੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬੋਹੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਖੁਰੇ 400-500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40-50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਚੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਨਾਨਕ ਚੱਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਲੋ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਸ ਬੜਾ,
ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਮਲੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰੋਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਵੀ 62 ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਏ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਅੰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਵਾਪੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਦਰਗਾਹ ਲਈ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਬਾਦਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਜਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੁਝ ਕੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਐਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕੁਝ ਕੇ ਪਲ ਕੁਝ ਕੇ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਗਾਸ ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਕੁਝ ਕੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਬਾਦਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ, ਤੇਰੀ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਹਰਜੂ ਰਾਖ ਲਿਓ ਪੱਤ ਮੇਰੀ, ਜਮਕੋ ਤਰਾਸ ਪਇਓ ਔਰ ਅੰਤਰ ਸਰਨ ਗਈ ਕਿਰਪਾ ਨੀ ਤੇਰੀ। ਸੋ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੇਹਨੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ,
16 17 साल दे होके दई जांदे आ। मैनूं 17 साल हो गए प्रचार करदे नूं ते मत्था बाबे श्री चंद दे घर नाल, 17 साल हो गए प्रचार करदे नूं ते मत्था हरिमंदर साहब दे नाल, 17 साल हो गए प्रचार करदे नूं मत्था हरिमंदर साहब दे सरोवर दे नाल, ते फिर कहिंदे असीं सच दे प्रचारक आ। पर 17 साल लैक्चर करके भी कोई रब नूं नहीं पा सकदा, जे पा सकदा है केवल ओदी कृपा दे नाल। हर जीओ कृपा करे तां नाम ते आईआ जीओ, जे ओदी कृपा होवे तां नाम ते आया जांदा है। बाबा श्री चंद साहब कहण लगे, दो अंब दे प्रसाद होर लिया, सेवादार उवें वापस चलिया गया। हंकार च कहण लगा, तुसीं कहिंदे हो बाबे श्री चंद दी कमाई बड़ी है, अंब दा बाग आप दा लाले, ते प्यार वाले जदों इह बचन गए बेचारा भोला पाला, उवें आके बाबे श्री चंद जी नूं कहा। ते जिवें आप जी ने पहला बचन सुनिया कि बाबा श्री चंद जी ने अंब नचोड़ करके अंब दा छिट्टा दिता, ते उत्थे बाग लग गया। अज भी आप सब दर्शन कर सकते हो, पर मैं बेनती करा, नलैकी बड़ी वड्डी है जिथे बाबा श्री चंद ने अंब की गिटक पट्टी अंब की गिटक नपी सी, उथे अंब का बड़ा वड्डा वह रुख लगा सी, वह अज की सेवादारा की नलायकी करके रुख पट दिता गया। पर सेव संगतां नूं सुचेत होने की लोड़ है भी जिहड़े साडियां पुरातन विरासतां ने उन्हां नूं सांभिया जावे। असीं बाबा श्री चंद के हाथ लगे रुख वेखने चाहुंदे हां। सो इस तरह प्यार वालिओ, करां मातां, जदों बाबा श्री चंद जी का जप तप वेख्या ते गुरु पातशाहियां ने भी बहुत सत्कार दिता। आपां कह दिंदे अज कल सुणदे हां भी गुरु नानक साहब दे घर नाल बणी नहीं, पर नहीं, जदों गुरु अंगद देव साहब सच्चे पातशाह तो बाद गुरु अमरदास जी गुरता गद्दी ते शुभायमान होए ने ना, ते फिर यात्रा लई चले ने गुरु अमरदास सच्चे पातशाह। ते सब तो पहला गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने जे यात्रा कीती ते बाठ साहब दी कीती। बाठ साहब दी यात्रा गुरु अमरदास जी ने कीती, नाल पुत्र मोहन भी है, नाल परिवार भी है, सेवादार भी ने, बाबा बुढ़ा जी भी ने। बाठ साहब की धरती से गए, धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी 18 दिन उत्थे रहे। 18 दिन जे किते बनदी ना हुंदी ते 18 दिन की 18 मिनट ना रहिंदे। जिन्हां नाल नहीं सी बनदी पृथ्वी चंद का सीधा ऐलान किया, जिन्हां नाल नहीं सी बनदी धीर मलिए का ऐलान किया, राम राय का ऐलान किया, पर बाबा श्री चंद का दर्शन करन ते खुद गुरु पातशाहियां भी जांदे ने। ते अज कई बार पंक्ति चुन लैंदे ना, पुत्री कोल ना पालियो कर पीरों कन मुरटी है। मैं बेनती करा, कदे भी एक पंक्ति का अर्थ नहीं वाचना चाहिए। पहला तो वेखिए भी ये बाणी ये शब्द लिखिया कदों गया है, ये लिखिया गया है जो गुरु नानक साहब ने परख की। फिर दूजा, इस बाणी की पंक्ति दे विच किते तुहानू ये नहीं मिलेगा कि बाबे श्री चंद का नाम लिखिया हो, किते नहीं मिलेगा। पुत्री शब्द वरत्या ते पुत्री गुरु नानक साहब दे केवल दो पुत्र नहीं, बाबा बुढ़ा जी भी उत्थे मौजूद सन। मैं बेनती की, भाई भगीरथ जी भी मौजूद सन। पर ए पंक्ति दे अखीर विच सत्ता ते बलवंड ने ए भी गल लिखी भी गुरु नानक दा कहना भी उन्होंने मन्या जिन्हां ते गुरु नानक ने खुद मनाया, जिन्हां नूं गुरु नानक ने खुद गद्दी देनी सी उन्होंने गुरु नानक दी कहण गल मन्नी। हुण बाबा बुढ़ा जी नूं हरिमंदर साहब दा हैड ग्रंथी बनाया गया, कितनी वड्डी गल, कितने 152 साल बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरु नानक साहब दे घर दी सेवा कीती, कि उन्हां दी कमाई थोड़ी होवेगी आपां कह सकदे उन्हां गुरु नानक दी गल नहीं मन्नी, नहीं। सो प्यार वाले, गुरु अमरदास जी जदों गए बाठ साहब की धरती दे उत्ते, बाबा श्री चंद जी कोल बचन बिलास होए, गुरु नानक साहब ने कहा कोई बाणी सुनाओ, ते धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने आनंद साहब जी की बाणी का जाप किया, ते बाबा श्री चंद जी की समाधि लग गई, ते ए गल कही कि सतगुरु जी इस बाणी दे विच सच्ची आनंद वरतदा है, अमृत वरतदा है। जेड़ा भी गुरु का सिख आनंद की भाल करनी चाहता है आनंद साहब का पाठ जरूर करे। जिदे जीवन विच आनंद नहीं तकलीफ है, आनंद साहब की बाणी पढ़े, जीवन दे विच आनंद जरूर वरतेगा। ते बाद विच कहण लगे, धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी नूं पुत्रां दे नाल जाण पछाण हुई, कहण लगे सतगुरु नूं कि साडे लई किहड़ा पुत्तर है। ते प्यार वाले, धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कहण लगे महाराज आप जी दे ही ने सारे। ते बाबा श्री चंद जी ने कहण, बाबा श्री चंद जी कहण लगे आ पुत्तर मोहन जी ये सानू दे दिओ।
धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने पुत्र मोहन जी नूं बाबा श्री चंद जी दे सपुरद किया। प्यार वाले जदों बाबा श्री चंद दे सपुरद किया ना, बाबा श्री चंद जी धूने कोल लै गए ते धूने कोल लिजा करके बाबे मोहन दी समाधि लवाई, दस्या भी किवें इबादत हुंदी है, किवें चौंकड़ा लगता है। एक ओंकार दी धुनी विच जुड़िया पुत्र मोहन नूं ते पुत्र मोहन नूं बना दिता बाबा मोहन, जिन्हां दे कोल फिर बाद विच गुरबाणी दीआं पोथियां भी सपुरद कीतियां। इतिहास बहुत लंमेरा है। सो धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी तों बाद फिर गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी गुरता गद्दी ते शुभायमान होए और सरोवर दी उसारी करवाई। आपां सारे वसदे हाँ, हर हा नानक कसमल जाए नहाया रामदास सर, वसदी अगन अनपार अनूप रामदासपुर, शहर वसाया रामदासपुर ते सरोवर दी खुदवाई कराई रामदास सर, सरोवर दा नाम रखिया अमृतसर। नाम पहला नहीं सी, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़िए ते रामदासपुर जां रामदास सर नाम मिलेगा, ते जां फिर गुरु की बाणी दे विच इह मिलेगा रामदास सरोवर नाते। दमदम टकसाल दे विद्वानां ने इन्हां दे दो अर्थ किते आ पंक्तियां दे। जे ते नाते नूं थोड़ा जिहा भार दे दईए ते नाते तों भाव नहाउणा, भी जिहड़ा गुरु रामदास दे सरोवर च जा के इशनान कर आवे सारियां तकलीफां दूर हो जांदियां, सब लत उतरे लाथे पाप कमाते। ते दूसरा जेकर पोला बोलीए इस शब्द नूं कि रामदास सरोवर नाते, भी जिहड़ा गुरु रामदास दे नाते सरोवर है उस सरोवर दे विच इशनान कीतिआं जन्मां जन्मां दी मैल धुप जांदी है, इतनी बख्शिश। ते मैं अक्सर एक बेनती मैं हुणे करके आया कि अजकल कई बार कह देंदे ना बिल्डिंग ही है हरिमंदर साहब, सरोवर ही है, उत्थों सरोवर दा जल लियाई जांदे हो, की फायदा। प्यार वालियो, ये मौजूदा समय के हालात ने अज नास्तिकता का प्रचार बहुत वध चुकिया है, पर एक डॉक्टर सरूप सिंह अलग अज भी जिउंदे ने, कोई भी उन्होंने जाके पुछ सकता है। उन्हें किताब लिखी हरिमंदर दर्शन, हरिमंदर दर्शन दे विच उह जिक्र करदे ने भी मैं इटली एक अंग्रेज दे घर गया, अंग्रेज दे कहिंदे ने उस अंग्रेज डाक्टर दे घर कंध जिन्नी वड्डी फोटो हरिमंदर साहब दी लगी। कहिंदे मैं उस फोटो नूं तकिया, मैं बैठा ना, अंग्रेज मैनूं आंदा तुसीं बवो मैं चाह पानी लिआउणा, आंदे मैं उस फोटो वल देख ही गया, मेरी समाधि लगन वाली हो गई। अंग्रेज आया कहिण लगा डाक्टर साहब तुसीं फोटो नूं वेख रहे हो, महसूस की कीता, फील की कीता? डॉक्टर साहब कहन लगे मैनूं इस तरह महसूस होया जिवें मैं हरिमंदर साहिब गुरु रामदास सच्चे पातशाह दी परिक्रमा दे विच बैठा। अंग्रेज कहन लगा अच्छा जे गुरु रामदास दी परिक्रमा च बैठे हो फिर दसो इस टाइम उत्थे रागी सिंह शब्द केड़ा पढ़दे आ, जे सच्ची मुची महसूस करदे हो फिर दसो। डॉक्टर साहब कहन लगे भी इतनी अवस्था नहीं, इतनी मेरी सुरत दी पहुंच नहीं भी मैं दस सकां, मैनूं माफ कर दो। अंग्रेज ने नेत्र बंद किते, चौंकड़ा लाया। प्यार वाले उस अंग्रेज ने शब्द दस दिता भी आ शब्द पढ़िया जा रहा है, ते डॉक्टर साहब ने चतर सिंह जीवन सिंह होना नूं फोन करके पुछया सच्ची हुई शब्द पढ़िया जा रहा है, ते डॉक्टर साहब कहन लगे अंग्रेज नूं इतनी कृपा इतनी बख्शिश किवें? कहन लगा मैं पाकिस्तान और इंडिया दे टूर ते गया अपने ग्रुप दे नाल, पाकिस्तान एक मुसलमान ने मैनूं कुछ रुपये दिते कि हरिमंदर साहब भाव गोल्डन टैंपल, उन्हें शब्द गोल्डन टैंपल वरते, पर गोल्डन टैंपल शब्द नहीं वरतना चाहिए हरिमंदर साहिब, क्योंकि गोल्ड ला के सोना ला के मंदिर कोई भी बना सकता है पर हरिमंदर दूजा तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि हरिमंदर आप सजिया हर वसै जिस नाल हरिमंदर साहब खुद हरी ने बनाया, भावें नकलां बहुत ने पर हरिमंदर साहब वर्गा दूजा हरिमंदर कोई नहीं। ते उस मुसलमान ने रुपये दिते, अंग्रेज पूछन लगा वो सिख टैंपल है इतनी माया उस सिख टैंपल लई क्यों? वो कहन लगा मेरा बच्चा उत्थों ठीक होया है। कहिंदा मेरे मन विच श्रद्धा जागी भी जे इहदा ठीक हो सकदा कुछ ते वखरा होवेगा। वो जदों आया चलो उन्हें माया चढ़ा दित्ती, कहिंदा मैं सवेरे सवेरे नमस्कार करन गया ते पालकी साहब आ रही सी, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का सरूप आने लगा सी, संगतां हाथ जोड़ के खड़िया सन, नरसिंघे वज रहे सन, नगारियां ते चोट लग रही सी। गुरु ग्रंथ साहिब का सरूप पालकी साहिब दे विच आ करके सुभायमान होया, मेरे मनों अरदास निकली ऐ जीसस ऐ ईसु मसीह, जे अज मैं सिख हुंदा ते मैं पालकी साहिब नूं मोढा ला सकदा सां। कहन लगा बस अरदास करन दी देर सी, एक बजुर्ग आया बांह तो पकड़िया पालकी को लिजा के कहन लगा जा ला मोढा।
मोढ़ा लाया कहिंदा शरीर दे विच वखरियां तरंगां छिड़ियां वाइब्रेशन छिड़ियां मैं उत्थे ही रहा मैं आगरे नहीं गया मैं अपने ग्रुप नूं कह दिता भी तुसीं जाओ मैं उत्थे बैठ के रोजाना बाबा बुढ़ा जी दी बेरी थले बह के कीर्तन सुनना जिदन मेरा वापस आउण दा समां आया मेरे नेत्रां विच वैराग सी मैं अरदास कीती गुरु रामदास जी मैं सारा कुछ छड़ सकदा पर हुण तेरे कीर्तन दी भुख है सी इह छड़ नहीं सकदा मेरे ते बख्शिश कर मैं जिथे मर्जी होवां पर तेरा कीर्तन कन्नां विच वजदा रहे कहिंदा जदों मैनूं गुरु रामदास दी याद आउंदी है मैं चौंकड़ा लाउणा मैं इस फोटो अगे बहिणा मैनूं सच्ची मुच्ची कीर्तन सुनाई दिंदा उत्थे बख्शिश वरतदी है उत्थे अज वी कला वरतदी है सो प्यार वाले उसारी कराउण तों बाद गुरु रामदास बाठ साहिब दी धरती ते गए ते बाबा श्री चंद साहिब ने गुरु रामदास जी नूं कहा कोई बाणी सुनाओ इह महापुरखां दी निशानी हुंदी है इबादत वालियां दी निशानी हुंदी है जदों कोल आउंदे ने ते ओह कोई ना कोई रब दी गल सुणाउंदे ने बाबा श्री चंद जी नूं धन गुरु रामदास ने आसा जी की वारस दे शंत सुनाए हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागै पीर ब्रह्म की सो जाणै जरिया जीवन मुक्त सो आखिया जगतर तरिया सो ए शंत सुनाए धन गुरु रामदास जी ने बाद विच बाबा श्री चंद साहब ने पुछया सी सुनिया तुसां शहर वसाया है असां सुनिया तुसीं सरोवर दी उसारी कराई है नाम की रखिया जे कहन लगे रामदासपुर ते रामदास सर सरोवर दा नाम बाबा श्री चंद कहन लगे ठीक है ए गल सच्ची है कोई शक नहीं तुसीं सचमुच राम दे दास हो ते जेड़ा तुहाडी शरणी आ जावे परमात्मा दा दास जरूर बन जांदा है पर गुरु नानक दे घर विच ते सदा अमृत वरसदा तुसीं नाम अमृतसर कर रहे ते प्यार वालियो गुरु रामदास ने बाबा श्री चंद दा सत्कार करदे होए उसे समय सरोवर दा नाम अमृतसर कर दिता शहर दा नाम भी अमृतसर कर दिता ते अज भी उत्थे अमृत सदा वरसदा है ते आपा बचन भी सुनदे हां जिवें अज भी संत महापुरख होण ना आपां वी आपस दे विच कई बार हासो हाण बचन कर लैंदे हां बंदगी वाले भी अपने आपस विच कुछ इस तरह के हासो ही नहीं बचन करते महाराज ने उदा ही चलो पुछ लिया भी महाराज जी ये दाड़ा बहुत सुंदर है दाड़ा बहुत लमेरा है ते गुरु रामदास कहन लगे महापुरखों तुसा जिहे साधुआं दे महापुरखां दे चरण झाड़न दे लई है ये तां सोहना लगदा है क्योंकि दस्तूर ए मोहब्बत है बस यही के हस्ती को मिटाना पड़ता है धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह छोटे नहीं होए सगो वड्डे हो गए भी किन्नी निमरता गुरु रामदास दे हिरदे विच उस तो बाद गुरु अर्जन देव महाराज गुरता गद्दी ते शुभायमान होए बाठ साहब दी धरती ते गए ते उस वक्त बाबा श्री चंद जी दी समाधि लगी हुई सी ते प्यार वाले गुरु अर्जन देव महाराज जदों गए जाके उठाया नहीं वेख्या भी समाधि लगी है सिमरन कर रहे ने ते जिथे बाबा श्री चंद जी धूने ते बैठ के समाधि सिमरन कर रहे सन धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह कुछ के कदमां दी दूरी ते एक थंब दा आसरा ला करके प्यार वाले बाबा श्री चंद नूं तकदे ने भी कदों समाधि खुलेगी ते मैं कदों इन्हां नाल बचन बिलास करांगा ते इतिहास दे बोलने भी धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने 5 महीने ते 27 दिन धन बाबा श्री चंद दा इंतजार किया भी कदों समाधि खुलेगी सारा दिन खड़ के गुरु अर्जन देव महाराज ने इंतजार करना रात नूं कुझ के कदमां दी दूरी ते उत्थे गुरुद्वारा साहब उत्थे विश्राम करना दिने फिर आ जाना फिर सारा दिन प्यार वाले उत्थे सतगुरु ने बाबा श्री चंद साहब दा जो के इंतजार करना अखीर 5 महीने 27 दिनां बाद समाधि खुली बाबा श्री चंद ने बहुत सत्कार किया सज्जे हथ आसन विछा करके धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह नूं शुभायमान किया कि आ बाणी सुनाओ ते धन गुरु अर्जन देव महाराज ने सुखमनी साहब की बाणी सुनाई जो कि 16 अष्टपदियां तक संपूर्ण हो चुकी सी जदों धन गुरु अर्जन देव महाराज ने सुनाई ते बाबा श्री चंद ने बचन किते सुखमनी सुखां दी नित पढ़दियां सुनदियां दे कारज सिद्ध जेड़ा भी ये बाणी पढ़ेगा जां सुनेगा ओहदे कारज सारे रास होंगे 16 अष्टपदियां सुनाइया कहन लगे महाराज जी नूं 24 संपूर्ण ही कर दी है 24,000 बंदे दे सुवास ने ते धन गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे ए बाणी रची ही तां जा रही है भी बंदे दे किते 24,000 सुवास संपूर्ण हो जान पर महापुरखो तुसी गुरु नानक दे फरजंद हो ए 17वीं अष्टपदी दे श्लोक दी शुरुआत तुसां तो करवाउणी है इस करके आए हैं
ते बाबा श्री चंद ने नमस्कार की चरणा ते कहन लगे नहीं गुरु नानक दी बाणी उचारण दा हक केवल आप जी नूं ऐसी नहीं उचार सकदे गुरु नानक दे बराबर असी बाणी नहीं लिख सकदे बाबा श्री चंद जी नूं सतगुरु गुरु अर्जन देव जी ने बार बार कहा ते बाबा श्री चंद कहन लगे ठीक है जो गुरु पिता जी दा गुरु नानक साहब जी दा जपजी साहब दे विच सलोक है आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच कृपा करके यही लिख दो पिता जी वाला श्लोक असि पिता जी दे बराबर नहीं लिख सकते ऐसा सत्कार किया पर फिर भी गुरु अर्जन देव महाराज ने भी दी जगह सिहारी बिहारी का फर्क रख के होसी पे सच नानक होसी पे सच ये लिख दिता भी जुगा जुगा तक गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के अंदर बाबे श्री चंद की निशानी मौजूद रहे सो प्यार वाले ये सत्कार गुरु पातशाहियां ने केवल किया नहीं बल्कि सिखां नूं करना सिखाया भी एक गुरु पुत्र दा सत्कार किवें हो सकदा है मैं अगे इतिहास वल चलना गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज आए ते प्यार वाले धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने भी बाबा श्री चंद दा सत्कार किया आपां सारे जाणदे हां कि पुत्र भी नाल सन बाबा श्री चंद जी कहण लगे महाराज इन्हां विच्चों साडा किहड़ा है इन्हां पुराने समय दे विच ज्यादातर उथानका चलदी उदासी महापुरखां कोल हरिमंदर साहब दा प्रबंध हुंदा सी ते सिंघां दा पत्ता पत्ता वैरी हुंदा सी क्योंकि सिंघ सारे जंगलां विच रहिंदे निहंग सिंघ फौजां जंग जोधी करदियां उदासी महापुरखां ने गुरु ग्रंथ साहब दे सरूपां दी सेवा कीती हरिमंदर साहब दी सेवा कीती अज इतिहास नूं भुलदे जा रहे ने प्यार वालियो हरिमंदर साहब दे सरोवर दे लई हंसली तैयार कराई ते उदासी ते निर्मले महापुरखां ने कराई गुरु गोबिंद सिंह महाराज खुद अपने नाल उदासी महापुरखां दे जथे रख्या करदे सन विद्वान बड़े बड़े तगड़े सन उदासी महापुरख बाबा श्री चंद दे पैरोकार सो कहण लगे भी इन्हां विचों साडा केड़ा है इह पहलां भी चलदा सी हुण भी चलदा है कि जिन्हां दे घर संतान नहीं हुंदी औलाद नहीं हुंदा पुत्तर नहीं हुंदा कह लईए ओह जदों उदासी महापुरखां कोल जांदे ना ओह फिर बचन कर दिंदे मौज विच भी गुरु नानक दे घरों दो आउणगे ते इक गुरु नानक दा इक तुहाडा ते अज भी चलदा कईआं दे घरां दे विच गुरु नानक ने भाग लाए ओह फिर उदासीन संपरदा नूं पहलां भी अपने पुत्तर चढ़ाउंदे रहे अरदासे करवाउंदे रहे ते उदासी महापुरखां ने उहनां नूं अमृत छका के तैयार करना सिंघ सजाउणा ते फिर जंगलां वल भेजणा भी जाओ जाके खालसिआं दी मदद करो इह प्रचार कीता गुरु हरगोबिंद साहिब नूं कहण लगे इन्हां विचों साडा किहड़ा महाराज कहण लगे पातशाह सारे तुहाडे ते बाबा श्री चंद साहिब कहण लगे नहीं ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰਲਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਬੜਾ ਚਿਹਰਾ ਰਲਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਬਾਬਾ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ ਸੁਣ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਧੂਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਜੋਈ ਵਾਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਬਲਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਚੱਕੋ ਮੋਰ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੂਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਲਾਇਆ ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਧੂਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਧੂਣਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧੂਣੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਤਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਧੂਣੇ ਲਾਏ ਛੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ते चार चुने जड़े मन्ने जांदे बाबा अलमस्त जी, बाबा बालू हसना जी, बाबा फूल जी, बाबा गोंद जी। और जड़े बाबा गोंद जी ने जिथे इन्हां नूं बाबे श्री चंद दे घरों धूने की बख्शिश हुई, उत्थे बाई मंजियां चों एक मंजी भी प्राप्त हुई सी। गुरु नानक दे घर तों वखरा नहीं कुछ। ते जड़े बाबा अलमस्त ते बाबा बालू हसना जी ने, इन्हां दे इतिहास ते मैं चानना जा पाके खीमा दा जाच कोवां। बाबा अलमस्त ते बाबा बालू हसना जी दोवें सके भरा सन। श्रीनगर की धरती ते जन्म होया ते दोनां जाणियां दे हिरदे दे विच परमात्मा दी बंदगी दी चाह सी, भगती दी चाह सी। बाबा अलमस्त जी का असली नाम सी बाबा आला, आले तो भाव वड्डा, फारसी का शब्द है उधर, आले तो भाव वड्डा। बाबा बालू जी, बालू हसना आप कहने वो छोटे भरा सन। बाबा आला जी नूं बाबा आलू जी भी कई थां ते शब्द आया। कहिंदे ने गुरु नानक साहब का प्रेम जागिया, एक दिन गुरु नानक की बाणी सुनी प्रेम जागिया, करतारपुर साहब की धरती ते आए, पता लग्या गुरु नानक साहब ते ज्योति जो समा चुके ने। चलो पता लगा बाबा श्री चंद साहब के दर्शन लई पहुंचे। धन धन बाबा श्री चंद साहब जी नूं नमस्कार कीती, कहन लगे मैनूं गुरु नानक दे दर्शन करा दिओ। बाबा श्री चंद साहब कहन लगे, उन्होंने ते गुरु शब्द दे लड़ लाया, गुरु अंगद साहब नूं गुरगद्दी ते बिठाया, उन्हां दे दर्शन करो। कहन लगे नहीं, मैं वेखना चाहुंना कि जेड़े ओ अमृत भरे नेत्र रीठियां ते पए, ओ मिठे हो गए, ओ नेत्र किहो जिहे ने। ओ जेड़े अमृत बोल सज्जन ठग ने सुने, ओ सज्जन बन गया, ओ बोल किहो जिहे ने। मैं ओ चेहरा वेखना चाहुंना जिहड़ा कोडे राक्ष ने वेख्या, ओ देवता बन गया, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। मैं ओ चेहरा वेखना चाहुंना। मैं सुनिया के नाम लईए सो सतगुर नानक, दुख दर्द मिटे सो भयानक, नाम लईए सो सतगुर नानक, सुख संपत्ति भोग मिले अचानक, सारी संगत मिलके आखो धन धन गुरु बाबा नानक, धन धन गुरु बाबा नानक, मैनू गुरु नानक दे दर्शन करा दिओ। बाबा श्री चंद साहब जी दे ना कोले बकरियां घा चरदियां सन। हुण सुरत नूं जोड़न लई ना एकाग्रता भी बड़ी चाहीदी है, वी इहनूं इहदी मन नूं किसे ध्याने ला दो एक काम वल, नहीं ते मनुआ दै दिस ताव दा ओ कैसे हर गुण गावै। बाबा श्री चंद साहब कहन लगे वी सिखा आ बकरियां लै जा, समाधियां लाया कर, मूल मंत्र दी धुनी विच जुड़िया कर, सतनाम वाहिगुरु दा जाप करिया कर, उच्ची उच्ची पुकारा करिया कर, के सगल भवन के नायका एक छिन दर्श दिखाई जी, परमात्मा दे दर दे उत्ते गुरु नानक दा ध्यान तरके रोजाना इबादत करिया कर, समाधि लाया कर, गुरु नानक दे दर्शन जरूर होणगे। कहिंदे ने बाबे आले ने इसे तरह करना, बकरियां ने घा चरदे रहना, ते बाबा आला जी ने जोर जोर दी पढ़ना, एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु, एक ओंकार सतनाम। कहिंदे ने इस तरह पढ़ते रहना, अचानक वो समा आ गया भी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह संसार दे तख्ते ते दोबारा फिर प्रकाशमान हो गए। मिले प्रतख गुसाइया धन्ना वडभागा, गुरु नानक साहब दे ज्योति जो समाउण तो बाद सब तो पहला दर्शन किते ते धूने वाले बाबे ने किते। अज कह देना धूने क्यों लाउंदे, ये धूने वाले ने गुरु नानक साहब नूं दोबारा संसार ते बुला लिया। ते प्यार वाले गुरु नानक साहब ने पुछया, मंगो की मंगना चाहते हो? कहिंदे ने कोले बाटा बकरियां दा दुध चो करके बाबे नानक दे अगे रख दिता, मस्ती चढ़ गई, बाबे आले दी मौज हो गई। प्यार वाले जिन्हों रोजाना उड़ीकदा सी, जिदे माही दे दर्शन करना चाहता सी, जदों सामने वो माही आ जावे, बाबा आला जी बड़ी प्रसन्नता दे विच, बड़ी मस्ती दे विच, जोर जोर दी धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक कहन लगे, दुध सामने दिता, कहन लगे लावो भोग हर राए। प्यार वाले गुरु नानक साहब कहन लगे, भाई आला, भाई आलू, तुम तो भयो मस्त विसालू, तेरे उत्ते ते मस्ती दी कृपा हो चुकी है। बस उस तो बाद फिर नाम अलमस्ती प्रचलित हो गया, ते फिर धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने धूने दी बख्शिश कीती बाबे अलमस्त ते। और जेड़े बाबा बालू हसना जी ने, इन्हां ने गुरु अमरदास सच्चे पातशाह वेले गुरु नानक दे घर दी सेवा कीती, फिर गुरु रामदास जी कोल, गुरु अर्जन देव जी कोल, फिर गुरु हरगोबिंद साहिब कोल, ते कहिंदे जदों गुरु हरगोबिंद साहिब ने घोड़े ते सवार होना, घोड़ा भजाउणा, ते बाबे बालू ने घोड़े दे अगां अगां भजना,
गुरु हरगोबिंद साहब ने घोड़े ते सवार होना ते बाबे बालू जी ने गां गां घोड़े ते भजना, घोड़े तो भी तेज रफ्तार विच भजना ते गुरु हरगोबिंद साहब वल तक के हुए कहना, पीर बैठा गुर पारी छठम, पीर बैठा गुर पारी, पीर बैठा गुर पारी छठम, पीर बैठा गुर पारी, पीर बैठा। पीर बैठा गुर पारी, पीर बैठा गुर पारी, पीर बैठा। सो बाबा बालू हसना जी की इस तरह की अवस्था नु वेख करके धन गुरु हरगोबिंद साहब ने बचन किते, भयो आज ते बालू हसना। बस उस दिन तो बाबे बालू का नाम बालू हसना प्रचलित हो गया। तो फिर गुरु हरगोबिंद साहब ने धूणिया दियां बख्शिशां कीतियां। वेखो अज जिवें प्रचार दे लई जगह जगह गुरु घर का प्रबंध किया जाता है, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया जाता है। हुण पुरातन समय में ना तो उदो गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरता गद्दी मिली, हजे गुरियाई का तिलक नहीं लगा, केवल हरिमंदर साहब प्रकाश होया, इतने सरूप नहीं, इतनिया पोथियां तैयार नहीं। ते प्रचार दे दौरे दे लई महाराज ने फिर धूने लवाए जगह जगह। ते मैं ये बेनती करा, जदों बाबे अलमस्त नूं धूना लवाया ना नानक मते की धरती ते, ते नानक मते की धरती ते बैठ करके बाबे अलमस्त ने गुरु नानक की सिखी का प्रचार करना, उत्थे भी सिद्ध आ गए, आके माड़ा चंगा बोलिया। ते गुरु हरगोबिंद साहब श्रीनगर की धरती ते, ते बाबे अलमस्त ने नानक मते की धरती ते समाधि ला के अरदास की, महाराज तेरे घर नाल मत्था लाउंदे ने, कृपा कर मेरी बांह फड़। गुरु हरगोबिंद साहब श्रीनगर तो भाई विधि चंद नूं कहा, विधि चंद जी चलो, गुरु नानक का प्यारा उड़ीकदा है। ते जदों नानक मते की धरती ते पहुंचे, धन गुरु हरगोबिंद साहब ने दीवान सजाया, रहिराज साहब का पाठ किया, ते जेड़े ओ जोगी जेड़े सिद्ध आके बाबे अलमस्त नूं तंग करिया करदे सन, मंदे शब्द बोलिया करदे सन, जदों गुरु हरगोबिंद साहब दे अलाही प्रताप नूं तकिया, फिर जिवें हाथी तुरदा है ते निके निके कतूरे नाले भौंकदे, नाले परां परां जांदे, बस इसे तरह फिर नाले ते बोलदे, नाले परां परां जांदे। प्रताप ऐसा है जिवें सूरज दे नेड़े पतंगा नहीं जा सकता, वह भी पतंगे रूप सिद्ध जोगी नेड़े नहीं सन आउंदे। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं बाबा अलमस्त जी कहन लगे, महाराज इत्थे गुरु नानक साहब दी निशानी सी, इह पिप्पल इन्हां सिद्धां हंकारियां ने पिप्पल नूं साड़ता, कृपा करो गुरु नानक साहब दी निशानी रह जावे। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दी जागदी जोत, गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा एक गड़वे दे विच पाणी लिया करके, जल लिया करके, और फिर उहदे विच केसर घोल करके लियाओ। ते बाग गुरु हरगोबिंद साहब दे सपुरद जदों लियांदा गया जल केसर घोल के, महाराज ने हाथ विच जल लिया, मूल मंत्र दा जाप किया, ते प्यार वालियो सतगुरु ने छिट्टे मारे, ते ओ पीपल दे पत्ते पुंगरन लग पे। ते गुरु हरगोबिंद साहब नूं बाबा अलमस्त कहन लगे, महाराज इन्हां ते गुरु नानक साहब दे हत्थां दी छो सी। कहन लगे अलमस्त जी, वह ते हुण आ नहीं सकदी जो करतार दा हुक्म, पर यह जेड़ा जल का छिड़का किया जा रहा है, जिथे जिथे ये जल का छिड़काव है उत्थे उत्थे पत्तिया का रंग पीला होगा, तो सदिया तक संगत दर्शन करते रहनगियां, अज भी कर सकदियां ने। यह गुरु नानक का घर है, तो यह बाबा श्री चंद साहब का घर है, जिन्हां दे अस्थाना ते आपां जुड़े हाँ। सो धूणिया के उत्ते प्यार वाले उन्हां महापुरखां ने समाधियां ला करके गुरु नानक के प्रचार का घर प्रचार किया। तो मैं बेनती करा, जिहड़ा धूणे नूं नहीं समझ सकता, सच जाने अंदर दी धुनी नूं भी नहीं समझ सकता। धुनियां ते जा करके अंदर नाम दी धुनी लाईए, तां ही फिर धुनियां ते जाण दा फायदा है, धुनियां ते जाण दा लाभ है। सो सतगुरु कृपा करन, बोलदिआं अनेकां भुल्लां होईआं हन, आप सब संगतां ने बख्श देना। धन धन बाबा श्री चंद साहब, उन्हां दा घर दे विच अगणित भंडार ने, तुसां दे सारिआं दे भंडार, तुहाडे सारिआं दीआं चोलियां भंडारां दे नाल भरीआं जाण। और अखीर विच मैं 2 कु मिंट इक अपना निजी अनुभव सांझा करां, के ना 4-5 महीने पुरानी गल आ, अकाल तख्त साहिब अमृत वेले इशनान दी सेवा हुंदी आ, क्योंकि ना कई बार अपने अनुभवी संगत नूं दसने पैंदे भी किते ना सोचे भी बाबे श्री चंद दी कला उदों ही वरतदी सी। साढ़े को 12 बजे इशनान दी सेवा संपूर्ण हुई, मन विच फुरना बनिया, रात नूं
भी बाठ साहब की धरती से बाबा श्री चंद जी के दर्शन कर चलीए। नाल मेरे कुछ के अकाल तख्त साहब के सिंह साहबान, मैं क्या भी चलो बाबे श्री चंद जी के दर्शन कर चलते। मैं खुद बाबे श्री चंद का सेवादार हाँ, दर्शन करने ते कह ते दिता, पर मन में सोचा भी पहुंचते एक घंटे जी जाना, बाठ साहब किड़ा दूर है, ते गुरुद्वारा साहब के बूहे बंद हो गए ते जे दर्शन ना हो ते बेइज्जती हो जाए। भी लैता इन्हों चलना बड़े माण नाल भी बाबे श्री चंद के दर्शन हो जाए कितने खुले। तो प्यार वाले जो तुरिया मैं क्या चलो हेड ग्रंथी साहब न फोन कर दिए भी असं आने लगे तो बूहे खोल दौ। तो महाराज वालों उन्होंने फोन भी उस दिन बंद, पर फिर अकाल तख्त साहब अरदास की बाबा श्री चंद जी बड़े माण के नाल नाल सिंघां लैके आने लगा, हुण कृपा करो लाज रखियो। तो जो प्यार वाले बाठ साहब की धरती से अजे जाके गड्डी खिलारी तो सच जाने इस तरह प्रतीत होया, बाबे श्री चंद का हुक्म होया, बूहे जांदे ही खुल गए। अद्धी रात को डेढ़ बजे का समा बूहे खुल गए। जदों गए जाके अखंड पाठ साहब चल रहा सी, दर्शन किए उस थंभ के दर्शन किए जिथे गुरु अर्जन देव ने पांच महीने सताई दिन इंतजार किया। मन में आया भी जिथे बाबा श्री चंद जी का धूना उत्थे चलो अज प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब का किया गया भी उस स्थान के दर्शन किए जाने, क्योंकि वह पुराना ही उस तरह कमरा उन्होंने अंदरों रखे है। पर वह ताला वज्जिया सी, प्रकाश साढ़े चार होना सी, इतने नूं हैड ग्रंथी साहब आ गए। हैड ग्रंथी साहब आए वो बड़े प्रसन्न हुए, आके कहन लगे मैनू भी साढ़े बारह बजे तो बाद नींद नहीं आई, जाग खुल गई। कहिंदे अंदरों इस तरह के फुरने आउण भी अज कोई आ रहा तो तैयारियां कर लो, कहिंदे पता नहीं सी भी तुसीं आउणा है। सो मन में मैं सोचा भी बाबे श्री चंद नूं साढ़े बारह अरदास की, उन्हें आप ही हैड ग्रंथी साहब नूं जगाता। चलो उन्होंने प्रतख दर्शन फिर अंदरों उस स्थान दे कराए जिथे प्रकाश हुंदा है। ते हैरानी दी गल उस तो बाद नानक चक दी धरती ते बाबा श्री चंद साहब दे धूने दे दर्शन करन जाना सी। ते दास दी कदे उत्थों दे महंतां दे नाल बाली गलबात नहीं होई फोन ते, पर जो तुरन लगे फिर अरदास की भी बाबा जी हुण अगां भी तुसीं राखे बणियो। ते सच्ची गल है साढ़े चार बजे उत्थों दे महंत जी का फोन आ गया फतेह बुला के, कहन लगे भी सिंघो किथे जे, सिंघो किथे जे। ते मैं बड़ा प्रसन्न होया, मैं महापुरखों तुहानू ही याद करी जाने, बस आ गए थोड़ी देर। चलो यह दास का अपना निजी अनुभव है भी अज भी जेकर अरदास बाबे श्री चंद जी नूं कीती जावे ते सुनदे जरूर ने, पर लोड़ है तेरी भावना दी। ताई एक विद्वान दे बोलने, बेदी साहिब जा दे पव सागर तरा दे, मेरा बेड़ा बन्ने ला दे गुरु नानक दे नंदना, जेड़े होए तेरे दास होके जग तो उदास, कट्टो जमा वाली फास मुखों बोल दे मुकंदना, जटा जूट निरवाण इथे उथे परवान, तुसी मेरे हो पुराण भगवान श्री चंदना, कवि राम दरवेश याद करदा हमेश, कट्टो जमा दे कलेश करूं बार बार बंदना। इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां, प्रबंधक सज्जना का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब संगतां का धन्यवाद, धन धन बाबा श्री चंद साहब के प्रकाश पुरब दियां आप सब संगतां नूं बेअंत 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 बधाइयां होण। आप सब संगतां इसे तरह बाबा श्री चंद साहब के घर के नाल जुड़े रहो। आओ धन बाबा श्री चंद साहब नूं, धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह नूं, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं गज के फतेह बुलाइए। दोनों हाथ जोड़ के गज के आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।